तो दोस्तों चलिए यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान T20 कप। देखा जाए हर सीजन बढ़िया जाता था, पता नहीं इस सीजन कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रहा है। नाइट में तो डेडलाइन बढ़ते गया, मैं तो सो ही गया, सुबह उठता हूँ तो रिजल्ट आपको पता है। तो दोस्तों अगर यदि आप इस पाकिस्तान T20 मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ इस वीडियो पे। क्यों डिटेल पे समझाने वाला हूँ? ताकि आप खुद से भी एक बढ़िया रिजल्ट ला सको। जैसे इस अजीज को बहुत सारे लोगों ने नाइट में ट्राई किया था, मैं तो सो गया था, तो वो उनका रिजल्ट सही आया। तो वीडियो जो देखेगा तो खुद से एक दो चेंज कर सकता है और रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। बाकी तो मैं कोशिश करूँगा इसका लाइनअप देने का, कितने टाइम पर लाइनअप आता है। नाइट में कवर किया था, बारिश पड़ रहा था तो फिर कुछ बात ही नहीं बनी, लेकिन कोशिश हमेशा से रहेगा। तो मेरे भाई अगर यदि इस मुकाबले खेल रहे हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फाइनल अपडेट SMS का लाइनअप नहीं आता है, फिलिंग 11, फाइनल टीम, जो कुछ भी ज़रूरत चीज़ है सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है? जी हाँ मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। 55.9 के सब्सक्राइबर के आसपास वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे लिंक होगा, उनकी सहायता से जुड़ोगे, ये ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे और बिल्कुल फ्री का फ़ायदा आप उठा सकते हो। सबसे पहले क्वेटा रीजन्स का यहाँ पर देखा जाए, बिस्मिल्ला खान कमाल का प्लेयर है, 37 का योगदान दिया। सनाउल्लाह 11 GL पर ट्राई करना। अब्दुल बंगला जाए, ये भी कमाल का प्लेयर है, 48 का योगदान दिया। नदीम अहमद की बात कर, 0 पे जरूर गया। अब्दुल हसन 3। जलत खान कैप्टन VC का बढ़िया चॉइस होगा। सलाउद्दीन की बात कर, ये भी कैप्टन VC का बढ़िया चॉइस होगा, क्योंकि दोनों गेंदबाजी भी अब करना स्टार्ट कर दिए कंप्लीट। ऐसे जलत खान तो करता था। जी फैज पहले गेंदबाजी में इंपॉर्टेंट है, सेकेंड गेंदबाजी में थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इनके ऊपर रिस्क लिया जाए बड़ा सवाल रहेगा। नजीबुल्ला 3 ओवर डाला, अच्छी गेंदबाजी जरूर की। बख्तियार शाह ने 3 ओवर 21 रन 1 विकेट ले गए। सलाउद्दीन 4 ओवर किया और जलत खान ने 4 ओवर करके 2 विकेट ले गए। दोनों का इकोनॉमी देखोगे ज़्यादा खास तो नहीं रहा। सैयद की बात के, 1 ही ओवर डाला, अन्य ओवर डालेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा, लेकिन कहना मुश्किल है। अब सामने वाली टीम का देखा जाए तो यहाँ पर मोहम्मद हरीस इस फरहान के साथ ओपन आते हैं। इस फरहान बड़ा नाम है, लगातार फ्लोप जा रहा है। अब बड़ी बात है वहाँ पर कॉम्बिनेशन बग, जो मैं समझाऊंगा क्या इनको लूँ या फिर ड्रॉप करूँ या इनके जगह, मतलब कि थोड़ा सा दिक्कतें तो है। अदिल अमीन 61 का योगदान दिया, इंपॉर्टेंट है, साथ में पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर गया। असाद अली GL का बढ़िया चॉइस होगा, पहले बल्लेबाजी में SL पे भी आप वर्क कर सकता है। इफ्तिकार अहमद थोड़ा सा पीछे आ रहा है, लेकिन आगे आकर 4 ओवर जरूर ये कर रहा है। 4 ओवर इन्होंने भी किया। मोहम्मद इमरान 3 विकेट, इमरान खान 2 विकेट मेडन के साथ। अब्बास अफरीदी भी 2 विकेट लेके, इफ्तिकार अहमद 2 विकेट, यानी इनकी गेंदबाजी एक सॉलिड सटीक नजर आती है। अदिल अमीन 2 ओवर डाला, साथ में ये ओपन भी आ जाते हैं तो इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी आज मोहम्मद हरीस, इस फरहान, अब्बास अली, इनके अलावा अदिल अमीन यहाँ से नीचे आए थे। इनके बाद अली अमीन एक बार वन डाउन आ गया लास्ट मैच में, तो अब यहाँ पर बैटिंग लाइनअप में फिर बदलाव होगा, दिक्कतें आ सकती है। बाकी इस प्रकार से इनका गेंदबाजी बल्लेबाजी रहा, आप लोगों ने देख लिया, इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है वहाँ पर ही समझना पड़ेगा। जी हाँ मेरे भाई, कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे भाई, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा कोई जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। देखो 2 विकेट कीपर यहाँ पर लेना अनिवार्य है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ से मैं अभी ड्रॉप करता हूँ इस फरहान को। अदिल अमीन पार्ट टाइम गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी बढ़िया कहते हैं, इनको यहाँ से पिक कर लें। ये बंगला जाए, आपको क्या लगता है पेशवार टीम का जो है ना बॉलिंग अटैक अच्छा है, तो अगर यदि आपको लगता है ये ड्रॉप, तो इनको ड्रॉप आप कर सकते हो। बाकी यहाँ से इफ्तिकार अहमद, जलत खान, यू सलाउद्दीन, ये 3 को भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते। 2 मैंने पिक किया बल्लेबाजी विकेट कीपिंग में, ये 5 हो गया, और अदिल अमीन पार्ट टाइम गेंदबाजी किया तो ये 6 हो गया। बाकी गेंदबाजी मोहम्मद इमरान, अब्बास अफरी 6, 7, 8, ये भी 8 2 प्लेयर हो गए, इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकते। आई खान लास्ट मैच बढ़िया किया, इनसे पहले वाले में भी ठीक ठाक गेंदबाजी किया, हालांकि विकेट लेस गया। तो मेरे भाई इतने सारे प्लेयर को हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ से G5 अब इनको लेना ज़रूरी पड़ गया। अब QUE की टीम पहले गेंदबाजी करे तो यहाँ से इनको तो पिक कर लेंगे। और यहाँ से देखा जाए ये बंगला जाए, जिस तरह से लास्ट में बल्लेबाजी का रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना इनको पिक करना पड़ेगा। इस फरहान पेशवार का बढ़िया प्लेयर है, इंटरनेशनल लेवल टाइप का ये प्लेयर है, तो इस फरहान को भी ड्रॉप नहीं कर सकते। इनके अलावा देखा जाए अदिल अमीन कई बार पीछे जाता है, तो अब्बास अली कहाँ गया मेरे भाई, ये कई कबार जो है ना ये
ऊपर आ जाता है बल्लेबाजी के लिए। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा समझना होगा किनके जगह किनको पिक किया जाए। बाकी कम सिलेक्शन वाले गेंदबाज आपको मैंने दिखाया, बख्तियार शाह हो गया और अन्य भी, तो उनके ऊपर तो मैं ये सोच रहा हूँ ज़्यादातर कि एस फरहान, जी फैज और ए बंगला जाए, इन तीन में से दो मुझे पिक करना है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि एस फरहान को चलो पिक कर लेता हूँ, इनकी टीम स्ट्रॉन्ग है लेकिन सीरीज में खराब प्रदर्शन कर रहा है। अगर यदि ये नहीं चला तो वही वाली बात होगी कि जब पता था कि इनका फॉर्म खराब है तो आपने क्यों पिक किया, लेकिन बड़ा नाम है। अब यहाँ पर अगर यदि इस फरहान को आंख बंद करके पिक कर भी लेते हैं तो पहले बल्लेबाजी QUE की टीम करे तो ये बंगलाजाई को पिक कर लेंगे, और पहले गेंदबाजी करे तो जी फैज को पिक कर लेंगे। लेकिन वही वाली बात है कि पहले गेंदबाजी करेगा तो इनका अन्य और भी गेंदबाज है, बख्तियार शाह वो भी डेथ में डाल सकता है, तो उन सबसे भी थोड़ा सा खतरा हो जाएगा। बाकी ओपोनेंट क्या आता है उनसे मतलब नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए क्या करो आप लोग, ये टीम सेव करके रख लो, और या फिर एक चीज़ करो, ये टीम सेव कर लो और या फिर जी फैज के जगह यहाँ पर ए बंगला जाए, तो इन दो में से किसी एक के साथ जाएंगे। कैप्टन VC भी ठीक ठाक है, यूस अलाउद्दीन के ऊपर भी जा सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा आपको लगे एक दो चेंज कर लेना, मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कतें में आ जाता हूँ अगर यदि टीम नहीं चलती है तो फिलहाल के लिए मैं भगवान से यही आशा करूँगा कि हम लोग का फॉर्म लगातार विनिंग वाला आए, जो था पहले उनको बस भगवान लौटा दे। इन्हीं के साथ वीडियो को भी यहाँ से समाप्त करता हूँ।